गाड़ी निकाल रहे थे उसमें डेंट मार के चले गए गाड़ी में। अजीब सा है भाई, नई गाड़ी है, 20 दिन हुए हैं, 20-25 दिन गाड़ी लिए हुए हैं और क्या हुआ है, फाड़ दिया है। बहुत ही है, पर मत किया करो ऐसा, अगर किसी ने किया है तो बहुत गलत बात है, पकड़े जाओगे तो पिट जाओगे। चलो भाई सेट कर रहे हैं यहाँ पे अभी टायर को। यार तुम लोग भी काम बढ़ा देते हैं यार, खाली पीली ओके गाइस, तो अभी हम लोग सब सर्विस सेंटर के लिए निकल गए हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, शायद हमारा चेंज हो जाए वहाँ पे, है ना। इनको इनको लग गई है भूख, चुप तेरी मैं खा रहे हैं हम सब, पता नहीं हर हर 10 मिनट पे इनको भूख। नहीं खाया यार, कुछ नहीं खाया सुबह से। वाह, समोसे लेके आए हो, तेरे लिए भी तो लाए हैं। आए हाय हाय, क्या बात है। अब देखो मूड कैसा स्विंग हो गया इसका। थैंक यू यार, समोसे ले दिया इन्होंने। चलो अब जो जो ड्राइव कर रहा है बेचारा वो तो खा नहीं पाएगा। ड्राइविंग के समय ईटिंग नॉट अलाउड है भाई। चलो भाई चलते हैं सर्विस सेंटर, पता नहीं शाम के 5:30 से ज्यादा हो गए, 5:42 हो रहे हैं, पता नहीं खुला भी होगा मिलेगा कि नहीं। चल रहे हैं हम तो इसी उम्मीद में। लेट्स गो। तो क्या हुआ भाई, क्या टायर नहीं हुआ चेंज आपका? शोरूम वाले बोल रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करने में भी 4 दिन लग जाएंगे। बोल रहे हैं कि अभी एक काम करो, वैसे भी स्टेपनी जो है हमारी वो छोटी पतली टायर है, तो हमें नई स्टेपनी ऐसे खरीदना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि एक नई स्टेपनी खरीद ले, मतलब एक बड़ी पूरा अलॉय व्हील के साथ ही टायर खरीद ले, 30-40 हज़ार की पड़ेगी। वो भी रखा रहेगा कि कभी मान लो ऐसे पंचर होती है, कट जाता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग वो लगा के चल सकते हैं। और ये इस जो अभी जो टायर लगा हुआ है ना, इस पे ज्यादा चला नहीं सकते, इस पे 80 से ज्यादा स्पीड नहीं। अभी जो कटा हुआ टायर है उसको इंश्योरेंस में कल दे देंगे और नया लगाएंगे, नया लगा देंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वाला जब वापस आएगा तब उसको स्टेप नहीं देखो, पर ऐसे मत किया करो यार। लो भाई अब थोड़ा सा खुद को खुश करने के लिए PVR आ गए खाने के लिए। क्या खाने आए हम यहाँ पे? अभी आए हैं मोमोज खाएंगे भाई, हम लोग डेली का है। ओके गाइस, आ गए हमारे वेज मोमोज, ठीक है, क्रिस्पी क्रिस्पी पसंद है इनको। हंस मत यार, तेरा ही व्लॉग है। और देखो दोस्तों, ओरियो से आप बच्चों को ओरियो नहीं है, हाँ लिक करो, ट्विस्ट करो, डिप करो। अभी तुमने जो देखी ना गाड़ी लगी हुई, वो हमारे इस फ्लैट की है ही नहीं। हमारी गाड़ी पार्किंग में बाहर खड़ी रहती है। हाँ। और भाई ये अंटसंट लोग आकर के कहीं कहीं से पार्क, देखो 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 वो देखो वो देखो निकाल रहे हैं, शर्म ही नहीं है। जब बोल के आया ना उसको तब निकाल रहे, हद हो गई है यार। ना तो हमारे इस फ्लैट में रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आके लगा के चले जाते हैं, और फिर हम बाहर लगाते हैं, फिर तब दूसरे हमको सुनाते हैं। दोनों बाहर लगाते हैं, बस टायर खा के भाग जाते हैं लोग भाई। मतलब डेली डेली का हो गया यहाँ पे भाई, नीचे एक बंदे रहते हैं, यहाँ इस बिल्डिंग में रहते हैं, नहीं गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, और ऊपर से आज निकालते हुए बच्चों ने बोला उनको कि भाई मत निकालो मत निकालो, और गाड़ी निकाल रहे थे उसमें डेंट मार के चले गए गाड़ी में। अजीब सा है भाई, नई गाड़ी है, 20 दिन हुए हैं, 20-25 दिन गाड़ी लिए हुए हैं, और कोई कुछ भी करके चला जाता है। मैं जा रहा हूँ उनका नंबर निकालने, उनसे बात करूंगा। एक तो रहते नहीं बिल्डिंग में, ऊपर से गाड़ी पार्क करते हैं, ऊपर से डेंट मार के चले जाते हैं। ओके सो वेलकम बैक गाइस आज के नए ब्लॉग पे। और आज कल तो हम गए थे गाड़ी और ठीक कराने के लिए टायर वगैरह, और कल हुई नहीं, आज फिर हम जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल गाड़ी हुई है साफ, डेली यहाँ क्लीनिंग चलती है गाड़ी की, बाकी हम जा रहे हैं आज, और आज देखते हैं टायर वगैरह चेंज होता है कि नहीं, वो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस वगैरह करेंगे या फिर नया टायर लेना पड़ेगा। देखो वैसे भी जो भी है नया टायर तो लेना ही है मेरे को, क्योंकि यार गाड़ी में एक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। बाकी चलते हैं, जो होगा वहाँ देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, बाकी अभी लेट्स गो। और मेरे को आज बहुत सारी वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिखनी है, तो बहुत काम है आज तो, चलो। तो दोस्तों निकल चुके भाई टायर लगाने, 2 दिन से बस हम लोग टायर कर रहे हैं, इतनी बकचोदी हो गई ना क्या बताऊं। बट चलो यार अभी पहुंचते हैं वहां, देखते हैं क्या होता है भाई। क्या लगता है भाई, हो पाएगा? वो तो जाना चाहिए, नया टायर तो लेना है ही वैसे भी, बट इंश्योरेंस वगैरह क्लेम हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई पता नहीं है टायर फट गया है, क्या हुआ है, फाड़ दिया है, बहुत चीज है। पर मत किया करो ऐसा, अगर किसी ने किया है तो बहुत गलत बात है, पकड़े जाओगे तो पिट जाओगे। ओके सो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ, महिंद्रा का क्या, ये बॉडी शॉप। हाँ हाँ, तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हो जाएगा काम आज, राहुल अपनी बॉडी धुलाने लाया है। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है, बाकी नहीं यार बड़ा टेंशन का काम है, गाड़ी लेना भी ना ऐसा बहुत टेंशन का काम है। इसके लिए डेली एक दिन इसको साफ कराने जाओ, एक दिन इसको घुमाने जाओ, एक दिन इसको सर्विस कराने जाओ, एक दिन खाना खिलाने जाओ, एक दिन पेट्रोल भराने जाओ, दिमाग नहीं खाते। हाँ जितना गाड़ी खाती है, चलो कोई बात नहीं, पर मजे भी देती है तो जरूर देखते हैं क्या। ओके गाइस सो अभी कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, उन्होंने बोला इंश्योरेंस वगैरह क्लेम नहीं हो पाएगा, चलो अब देखते हैं, हमें टायर नया लेना पड़ेगा खुद से ही। तो दोस्तों वहाँ पे तो हुआ नहीं यार, उन्होंने बोला इंश्योरेंस वाला है ही नहीं शायद, मेरा उसमें इंश्योरेंस नहीं था ऐसा बोल रहे थे। शोरूम वाले मेरे को बता रहे थे कि भाई इंश्योरेंस है उसमें, और ये बताए कि नहीं है, और वहाँ सच में मैंने देखा 0 था, तो शायद इंश्योरेंस नहीं था टायर का। बट यार बात यह है कि टायर फटी कैसे यार, मतलब वो तो पता है तुम्हें। अब जाते हैं MRF पे और वहाँ से नया टायर लेंगे, और उसके बाद चलते हैं, क्या करें अब टायर खरीदना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने मस्त ब्रेड पकौड़ा खा लिया है अभी, राहुल भाई लेके आए, मेरा तो पेट भर गया, एक पेट भरा छी यार भाई, कितना कम छोटा पेट है भाई। जब हम लोग कुछ और भी खाएंगे अभी, क्योंकि भाई भूख लगी हुई है। यहाँ पे कुछ है क्या? कुल्फी थी यार,
छोड़ो। तो भाई मस्त यहाँ पे रुके और वो देखो राहुल भाई हमारे लिए वेज बिरयानी ला रहे हैं। ठीक है, तो मस्त अभी वेज बिरयानी वगैरह खाएंगे फिर जाएंगे हम लोग हमारे अपनी टाइम लगाने, बहुत जरूरी है। वेट कर रहा हूँ बिरयानी का, आ ही नहीं रही। राहुल तो माइक, राहुल तो माइक, चम्मच देखो, गाली सुनाई दे रही थी बाहर। गाली कौन दे रहा था मुझे, डर नहीं है देगा उसको। ओके दोस्तों, आ गई हमारी वेज बिरयानी, आई है और सब अभी वेज बिरयानी खाएंगे फिर जाएंगे टायर लगाने। यार टायर टायर टायर, इंडिकेटर इधर का दिया हुआ, कहाँ घुसेगी अभी ये हम लोगों ने चार पांच दुकान घूम लिया। ठीक है, कहीं पे भी टायर नहीं मिला अभी, इस गाड़ी का साइज का टायर ही नहीं था हर दुकान पे, जबकि MRF के इतने दुकान है, बड़े बड़े दुकान, सब पे कहीं पे नहीं मिल रहा। अभी हम लोग फिर पांचवे शोरूम पे जा रहे हैं ना, और देखते हैं शायद वहाँ पे मिल जाए। बड़ा परेशानी हो गया यार, गाड़ी लिया था कि भाई थोड़ा टाइम बचे, और गाड़ी ही टाइम खा रही है, क्या कर सकते हैं, दिन खा रही है, पूरा पूरा दिन खा रही है, आज एक पूरा दिन बर्बाद हो गया एक गाड़ी टायर के चक्कर में। बताओ यार, एक दिन नहीं दो दिन से हो रहा है। वैसे दिन हमारा आधे में शुरू होता है। हाँ, आधा दिन तो हम लोग का 12-1 बजे शुरू होता है, और उसमें भी आदमी खत्म हो जाए, बड़ा बुरा लगता है। चलो कोई बात नहीं, पहुँचते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो गाइस, मैं दिखाता हूँ गाड़ी की स्क्रैच भाई, आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है गाड़ी के साथ भाई, क्या बताऊँ यार, बड़ा दुख हो रहा है। ये देखो फुल टू स्क्रैच यहाँ पे लगा हुआ है, सिर्फ दुख ही दुख है यार जीवन में यार। कोई नहीं भाई, इस ब्लॉग पे 4-5 मिलियन व्यूज करा देना, अगली गाड़ी ले लेंगे। मस्त यहाँ पे टायर लग रहा है भाई, अब नया वाला देखो। तो क्या दिन खराब है क्या, क्योंकि मर्सिडीज वाला भी एक शीशा तोड़ के जाने वाला था, लगा के गया है वो, सटा के गया शीशे में भाई, आज दिन खराब है। फाइनली गाइस हो चुका है, मतलब टायर वायर लग गया है। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर भाई। देखो रात हो गया, मतलब एक टायर के चक्कर में सुबह से शाम पूरा दिन बर्बाद आज का। आज बहुत काम था, बट क्या कर सकते हैं, अब ये भी काम ही में ही आ गया। चलो अभी चलते हैं घर कुछ खाते हुए मस्त से, और उसके बाद फिर व्लॉग भी डालना है प्रीतिश भैया को बोल करके, और फिर आगे एग्जाम के लिए भी निकलना है कभी न कभी, आज न कल। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, अरे पहचान नहीं पा रहा, बढ़ गए भाई सब लोगों। हेलो कैसे, ज्यादा सब्सक्राइबर है किसके, मेरे इंस्टाग्राम पे है। अरे ये तो ले लो भाई यार, मैं चॉकलेट लेता था, वही देख रहा था भाई, मैं तो चॉकलेट चाहिए मुझे, किसी लड़की ने मेरे को चॉकलेट निकाला, थैंक यू भाई यार चॉकलेट। एक मिनट, ये सच बता दो, ये किसके लिए, ये आप सबके लिए, वैसे आपसे आपके लिए, आपके दिल के लिए, बस सुन रहा है, तेल लेनी है, तो दोस्तों अभी सब लोग जा रहे थे कहीं पे भैया को छोड़ने के लिए, है ना, कहाँ जाने छोड़ना है आपको, कंटेनमेंट भैया है, होमलेस हैं तो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, भैया को पूछना कहाँ जा रहे हो। ये अभी गलती से होम घर गलती से घर आ गए थे, तो इनको फिर से रेलवे स्टेशन पे छोड़ना है। भैया से पूछ कहाँ जा रहे हो, भैया वहाँ से, भैया से पूछ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे भैया, जोधपुर, जोधपुर जा रहे भैया, भाई जोधपुर जोधपुर। ये सब्सक्राइबर हमारे चॉकलेट दे के गए थे भाई, मस्त अंठे, अभी खाऊंगा इसको, नाइस भाई।